हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पिंटू मौर्या में। आज हम कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन की बात करेंगे जो एयरफोर्स और नेवी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एयरफोर्स में तो दो तीन क्वेश्चन इसे आ ही जाता है, नेवी में भी एक दो क्वेश्चन आ जाता है। चलिए तो देखते हैं। पहला है हमारा एडवांटेज ऑफ, इसका मतलब होता है लाभ। एडवांटेज के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है सफर फ्रॉम, सफर के साथ हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन लगेगा, इसका मतलब होता है पीड़ित। अगला है कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा, इसका मतलब होता है विश्वस्त। अगला है कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑन लगता है, इसका मतलब है बधाई देना। अगला है डिपेंड ऑन, इसका मतलब है निर्भर होना। नेक्स्ट फिट के साथ प्रीपोजिशन फोर लगेगा, इसका मतलब होता है योग्य। लाभ के साथ प्रीपोजिशन एट लगता है, इसका मतलब है मजाक उड़ाना। प्राउड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, इसका मतलब होता है घमंडी। क्वालिफाइड के साथ प्रीपोजिशन फोर लगता है तो इसका मतलब होता है योग्य। यूजफुल के साथ प्रीपोजिशन फोर लगता है, इसका मतलब होता है उपयोगी। सूटेबल के साथ प्रीपोजिशन फोर लगता है, इसका मतलब होता है उपयुक्त। सेटिस्फाइड एट वर्क, यदि अगर किसी के काम से अगर आप संतुष्ट हैं तो सेटिस्फाइड के साथ एट लगेगा, और अगर किसी पर्सन से आप संतुष्ट हैं तो उसके साथ सेटिस्फाइड विद लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कैपेसिटी फोर, ये क्षमता को दर्शाता है। अगला है पे अटेंशन टू, पहुंचना। अराइव के साथ एट जब प्रीपोजिशन का यूज होगा तो इसका मतलब होता है पहुंचना। अफ्रेड के साथ ऑफ, इसका मतलब होता है भयभीत। रिस्पॉन्सिबल फोर, इसका मतलब होता है उत्तरदायी। एबल के साथ हमेशा टू लगता है, इसका मतलब होता है योग्य। अगर डील के साथ दीन प्रीपोजिशन लगे तो इसका मतलब होता है बेचना। अगर डील के साथ विद प्रीपोजिशन लगे तो इसका मतलब होता है व्यवहार करना। अगर डील के साथ आउट प्रीपोजिशन लगे तो इसका मतलब होता है बांटना। अगर डिफर के साथ विद लगे प्रीपोजिशन तो ये दो चीज़ों के भिन्नता को दर्शाता है, दो पर्सन के बीच की भिन्नता को, दो व्यक्तियों के बीच की भिन्नता को। अगला है डिफर फ्रॉम, ये दो किसी भी दो वस्तुओं के बीच की दूरी को मतलब बताता है। अगला है आस के साथ प्रीपोजिशन फोर लगता है, इसका मतलब है मांगना। अप्लाई के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, इसका मतलब होता है लागू होना। अगर डाई के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगे तो किसी बीमारी से अगर कोई मर जाता है तो डाई के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। अगर डाई के साथ फ्रॉम, अगर किसी अन्य कारण से कोई मर जाए, अगर बीमारी से मर जाए तब तो डाई के साथ ऑफ लगेगा, अगर किसी अन्य कारण से मर जाए तो डाई के साथ फ्रॉम लगेगा। डाई फोर, ये इसका मतलब होता है के लिए मरना। नेक्स्ट डाई इन बैटल, बैटल मतलब कि किसी युद्ध में मारे जाना है। बिलोंग टू, संबंध रखना। नेक्स्ट डिफिकल्टी इन, कठिनाई। डिजायर फॉर रिक्शा, गिल्टी ऑफ आरोपी। फील विद भरना, कंट्रोल ओवर नियंत्रण। फूल ऑफ परिपूर्ण।